एसटी अपडेट्स के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। ये नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। पीएम मोदी अगले हफ्ते करेंगे रूस का दौरा। पुतिन ने दिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और पुंछ पुलिस की एसओजी को पुंछ के सुरनकोट सेक्टर के डुंडक इलाके में मिली बड़ी कामयाबी। एक आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। 4 ग्रेनेड बरामद। पीएम मोदी ने हर साल 2 बार एनडीए नेताओं का सम्मेलन आयोजित करने का रखा प्रस्ताव। कहा ये कदम बेहद जरूरी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय श्रीनगर में प्रशासनिक सचिवों के साथ सभी विभागों की समीक्षा बैठक। कामकाज का लिया जायजा। युद्ध में फंसे लेबनान को भारत ने भेजी मानवीय सहायता। 11 टन की पहली खेप रवाना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कार्रवाई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 अन्य को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सतेंद्र जैन को मिली जमानत। केजरीवाल ने लिखा वेलकम बैक। बारामूला में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 147 यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर मामला दर्ज। 75 वाहन जब्त। करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक। लोग कर रहे जमकर खरीदारी। मेहंदी लगाने वालों की दुकानों के बाहर लगा महिलाओं का तांता। अलग अलग डिजाइन की मेहंदी लगाकर त्यौहार का ले रहे आनंद। एसटी अपडेट्स के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।